पे पूजा आयोजन कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि इस ब्लॉग में अभी गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सबका मेरे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत। तो होली में तो बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं, तो उसमें से एक है दही बड़ा, जिसकी इमली की मीठी चटनी मैंने बना के रख लिया है क्योंकि कल रात में ही बना लिया था, तो आज सुबह मैंने इसे स्टोर कर लिया है, एक डब्बे में डाल लिया है। फिर यहाँ पे वाटरमेलन का जूस बनाया है, जो वाटरमेलन का महितोस बनाया था उसी वाटरमेलन से जूस बनाया है। मिशिता भी आ गई है ट्यूशन से, तो अब उसे वो जूस दे दूँगी। और अभी आज मिशिता को स्टार मिला है, देखिए एकदम बड़ा था, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है जिस वजह से उसको टीचर ने आज स्टार दिया है। तो मेरा भी सारा काम खत्म हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा नीचे फ्रूट्स लेने के लिए क्योंकि आज हमारे यहाँ डोल यात्रा या डोला पूजा या फिर पालकी पूजा जिसे कहते हैं वो होने वाली है, तो उसके लिए मैं फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। तो ये जो डोला यात्रा या डोला पूजा जो होती है, ये हर साल होली से पहले, मतलब होलिका के पहले यहाँ पे होती है। भगवान जी को पालकी में निकाल के फिर हर जगह लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे पूजा होती है। तो इसी पूजा के रिगार्डिंग हमारे यहाँ, मतलब हम लोग सब कोई मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जब पालकी यहाँ पर आएगी तो उसका हम यहाँ पर पूजा आयोजन कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि इस ब्लॉग में अभी पूरी यहाँ पे पालकी पूजा जो होगी उसका पूरा रहेगा वीडियो, तो आप इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं दुकान आ गई हूँ, मुझे फ्रूट्स लेना है, तो यहाँ पे मैंने जो जो फ्रूट्स मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है। और फ्रूट्स लेने के बाद और भी थोड़ा बहुत काम था, जो दही वगैरह लेने थे मुझे, वो भी मैंने अब इसमें से अभी ले लूँगी क्योंकि अभी एक ही साथ कुछ कुछ काम हम लोग आगे बढ़ा के रखेंगे। क्योंकि एक्चुअली पालकी जो आने वाली थी उसकी टाइमिंग पहले शाम में थी, उसके बाद फिर ये दिन में हो गया एकदम से सडन इसका टाइमिंग। तो फिर मैं घर आ गई हूँ, उधर का जितना काम था सारा निपटा दिया, आके मैंने लंच कर लिया है। तो लंच करने के बाद सब सीधा चले जाऊँगे उधर पालकी, क्योंकि आ चुकी है वो हमारे यहाँ पे हम जी ब्लॉक के टाइप में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जहाँ पे पालकी को रखा गया है वहाँ हमने रंगोली बनाया, और उस पर प्रसाद में हमने पंचामृत, फ्रूट्स, बूंदी, फिर चना बनाया था, इन सब का आयोजन किया है। तो अभी पंडित जी यहाँ बैठ गए हैं और फिर वो अभी यहाँ पे पूजा स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे भी। ये देखिए यहाँ पे मिशिता अभी प्रणाम करने गए, तो मिशिता को पंडित जी ने से अबीर लगा दिया है भगवान जी के पास से लेकर। पालकी हमारे जी टाइप में आने वाली थी एक्चुअली शाम के 3 से 4 बजे के बीच, बट एकदम से 2 बजे ही आ गई थी पालकी अचानक से, तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया हमें भी अचानक से पालकी के पहुंच जाने पे, क्योंकि कुछ कुछ अरेंजमेंट अभी भी बाकी थे, कुछ बहुत सारे सामान जो अभी नहीं आए थे वो भी आना बाकी था, तो ये सब चीज़ें थी अभी भी। लेकिन कोई बात नहीं, सब कोई आ गए थे तो सब कोई मिल के बहुत अच्छे से सारा कुछ अरेंज हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी पंडित जी लोग आए थे जिन्होंने पालकी को लेके कंधे से लेके आया था, तो वो बैठ के वहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे थे, और वो सारे जो भजन में बजाते वो सारे बजा रहे थे। और यहाँ पे सारे लोग एक एक करके पूजा आके भगवान जी का कर रहे थे, अबीर चढ़ा रहे थे, आरती कर रहे थे। और यहाँ पे 2 पंडित जी बैठे हुए थे, वो मेन जो यहाँ पे इसकी पूजा कर रहे थे, यहाँ पे ये सब हो रहा था। और पूजा हो जाने के बाद फिर इन पंडित जियों के लिए जलपान का भी पूरा प्रबंध किया गया था।
गुलाल पड़ रहा है, ये इसमें गुलाल पड़े जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसमें गुलाल पड़े ना अच्छा लगे। हाँ कर 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 चलो कर लो आप लोग। ये फ्रूट वाली थाली बेटा इस पे ढक दो। चलो ना चल रहा हूँ लिपा को। अभी यहाँ पे पूजा हो चुकी है, पंडित जी लोग बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे पंडित जी के प्रसाद की पूरा आयोजन कर रहे थे। तो यहाँ पे एक आंटी है वो पूरा प्लेट्स लगा रही थी और बाकी सब इनके साथ मिल के सारा अरेंज कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी लोग को पहले फिर सब कुछ देना था, पंचामृत था, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे, प्रसाद थे, ये सब कुछ देना था। तो सबको एक साथ मिल के कर रहे थे, क्योंकि और भी जो लोग आए थे सबको प्रसाद बांटना था। तो एक एक करके हम लोग सारे यहाँ पे हाथ बटा के सब यहाँ पे एक साथ कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं और इनको ये सब आके प्रसाद दे रहे हैं, पानी दे रहे थे। तो पूजा जैसे ही ख़त्म हो गई उसके बाद फिर यहाँ पे सब परिक्रमा करने लगे पालकी की, और फिर उसके बाद सब पालकी को लेके फिर आगे का मतलब जी ब्लॉक के और भी जो साइट है उस साइट पे जाने वाले थे। तो ये था हमारे यहाँ के दोला पूजा या दोल पूर्णिमा की जो पूजा थी ये थी। तो कैसा लगा आपको हमारे यहाँ का दोला पूजा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी ये फर्स्ट टाइम देखी, पिछले बार हुआ था तो पिछले बार मैं नहीं देख पाई थी, तो मैं ये फर्स्ट टाइम देखी। तो जैसे भगवान जी को पालकी लेके जाते उसके बाद सबको प्रसाद बाँटा जाता है, प्रसाद बाँटने के बाद फिर हम लोग इतने बच्चे रहते हैं, हम लोग सारे प्रसाद ले लिया हमने, हम प्रसाद ले रहे थे। तो यहाँ पे हम सारे ऐसे बैठे हुए साथ ही बातें हो रही थी हमारी। तो डोला पूजा के टाइम ना मेरे आँखों में अबीर चला गया था, वहाँ पे सब ऐसे गुलाल उड़ा रहे थे, उड़ाने के कारण वो गुलाल वो अबीर के कण मेरे आँखों में चले गए थे, जिस वजह से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। घर आके सर बहुत दर्द दे रहा था, तो कुछ भी करने की इच्छा हो नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया कि रात में डिनर के लिए सबके लिए पास्ता बना दिया, और हमने डिनर में सिर्फ पास्ता किया, क्योंकि पास्ता होने से क्या होता है कि मिशिता अभी उतना परेशान नहीं करती और मुझे उसको खिलाने का भी कोई झंझट नहीं
नहीं रहता है तो वो पास्ता खा लेती है आराम से बहुत अच्छे से। तो वेदर मेरा पास्ता रेडी हो गया है और फिर हम सब ने पास्ता डिनर किया। उसके बाद फिर जैसे बेडरूम पे जाती हूँ तो मिशिता वहाँ पे पूरा परेशान करने लगती है क्योंकि उसे खेलना है और मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, लेकिन मिशिता थी कि परेशान की जा रही थी, खेल रही थी और उसको तो रात में जैसे लगता है कि सारा एनर्जी रात में ही मिलती है तो वो बेड पे ऐसे कूद रही थी पूरा अचानक से। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं क्योंकि अगली ब्लॉग आने वाली है पूरी होली से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।